लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के समय विनोद तावरे ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर के एक्स पर पोस्ट किया था। उस पोस्ट के मुताबिक 8 लोकसभा की सीट आरएलएम को दी जा रही है और 8 बिहार विधान परिषद की जो खाली सीट है उस पर 1 विधान पार्षद आरएलएम के कोटे से जाएगा। अब बिहार में विधान परिषद की 1 सीट के लिए चुनाव होना है। खबर आ रही है, करीब करीब ये तय हो चुका है कि जेडीयू वहां से भगवान सिंह कुशवाहा को उतारने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आरएलएम का क्या होगा? आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के सर्वे सर्वा है, क्या कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? 5-6 जुलाई को एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, क्या उसमें कोई इस पर डिसीजन होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद राम पुकार सिन्हा जी हैं, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है, आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी है। राम पुकार जी, लगता है कि आपको बीजेपी ने चीट किया है, धोखा दिया है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं आशुतोष जी। दरअसल हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का घटक दल के रूप में हम लोग शामिल हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल यू है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास है जी। इसमें कहने का मतलब है कि आपने बताया कि कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं 5 और 6 जुलाई को। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार के 38 जिलों के सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पटना की धरती पर 2 दिवसीय बैठक के लिए आमंत्रण दिए हैं और सभी लोग पहुंच भी रहे हैं और इसकी तैयारी हम लोग कर भी रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक गलियारों में अभी जो हम लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि अभी एमएलसी वाला जो पद है, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना है कि कौन कहाँ एडजस्टमेंट करेगा। एनडीए पूरी मजबूत स्थिति में है और एनडीए गठबंधन के जो भी बड़े नेता हैं, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता, वे लोग मिलजुल कर तय करेंगे और इसमें हम लोगों को कहीं कोई दोमत नहीं है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन जो तय करेगा, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर, नीतीश कुमार जी से लेकर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, अमित शाह जी, सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे और आगे का जो रणनीति दिशा तय होगा होगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। नहीं नहीं, तो आप बोले मिल बैठकर तय होगा, क्या तय होगा कि विधान परिषद की सीट आपको मिले या ना मिले, ये तय होगा? देखिए, विधान परिषद के सीट का जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच का मामला है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्या डिसीजन होगा। नहीं, लेकिन आपको आपको उम्मीद अभी बरकरार है ना कि आप ही को वो सीट मिलेगी, क्योंकि कमिटमेंट है ना विनोद तावरे जी ने उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर मुलाकात की थी। ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस पार्टी को कहां क्या एडजस्टमेंट होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व समझेगा। इस पर राष्ट्रीय, देखिए, बिहार के प्रवक्ता होने के नाते इस पर ज्यादा मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच में तो सहमति बनती है, बातचीत होती है और उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में चीजें चली आती है, उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक्स पर पोस्ट नहीं किया था, ये पोस्ट किया था विनोद तावरे जी ने ना, जी। एक एमपी की सीट आपको दी जाएगी, काराकाट से आप चुनाव लड़िए, और एक बिहार विधान परिषद की सीट दी जाएगी। तो अब जब बारी आई है तो वही चीज है ना कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो क्या चीजें, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है ना, ये राष्ट्रीय स्तर नहीं, राष्ट्रीय कमेटी का जो डिसीजन है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता है हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर मिलजुल कर क्या सहमति बनी क्या नहीं बनी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका जवाब देंगे। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बोल सकता हूँ, क्या सहमति बनी ये जवाब देने की बात कहाँ आ रही है? सहमति अंदर खाने तो रही बनी है राम पुकार जी, सहमति तो सामने आकर के विनोद तावरे जी ने लिखा है कि एक सीट देना है, अब वो सीट देने की बारी आई है तो अब जेडीयू बोल रहा है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी खामोश है। तो देखिए, अभी तो सवाल तो उठता है ना, अभी इस मुद्दा पर आपको मैं आशुतोष जी आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन का मुद्दा है जिसमें 5 पार्टी है, 5 पार्टी के लोग कैसे क्या कहां एडजस्टमेंट होगा, कौन व्यक्ति कहां जाएंगे, ये 5 पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के बीच का मामला है।
अगर जो भी होगा पब्लिक डोमेन में आएगा, तो फिर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोग को निर्देश करेंगे कि ये हमारे पार्टी को ये मिला, उसके बाद फिर इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि शायद उन्हीं सब चीजों के लिए तो बुलाया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, अब मुझे क्या करना है। तब आप लोग अधिकृत कीजिएगा उनको कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं लीजिए, तो फिर चीजें उलट फेर होगी। अभी आप बोल रहे हैं एनडीए के साथ है बने हुए, सरेंडर के मुद्रा में क्यों है आप लोग? बिना मांगे कुछ मिलता है? आशुतोष जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जहाँ भी रहती है ईमानदारी पूर्वक रहती है, और हमारे नेता भी जहाँ रहते हैं आप ईमानदार है मान रहे हैं रामपुर का जिले, लेकिन सामने वाला ईमानदार नहीं है ना, बोल करके नहीं दे रहा है आपको। अब आप मीडिया के लोग जो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको आपकी पार्टी को ऐसा नहीं, आपको और आपकी पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, चीट किया जा रहा है, बोल करके सीट जेडीयू के खाते में दी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एनडीए गठबंधन मजबूत है और हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए चाहे कुछ मिले या ना मिले, एमएलसी की सीट मिले या ना मिले, राज्यसभा की सीट मिले ना मिले, चुनाव में हरा दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मीडिया के लोग हैं, आप ही लोग एनालिसिस करते हैं और पूरा पब्लिक डोमेन में भी आ जाता है, हम लोग को बिना कहे हुए ही सारी बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है। मीडिया दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक पर पीता है, आपके साथ क्या हुआ काराकाट में सब लोग जानते हैं, और आप लोग भी कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में। उसके बाद एमएलसी की सीट नहीं दी जा रही है, और आप लोग हैं कि चुपचाप एनडीए के साथ मजबूती से हैं, मजबूती से रहे, आपकी मजबूती से आप रहिए ना रहिए, जब बीजेपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्यों रहने के लिए बेचैन है आप? अच्छा आप बोल सकते हैं, अब किसको क्या फर्क पड़ता है, किसको क्या नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो आपको सीट दी जाती ना। अच्छा आशुतोष जी, ये पब्लिक डोमेन में है कि क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं फर्क पड़ता है, आप मीडिया के लोग हैं कुछ भी बोल सकते हैं, आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको दिखाने की आजादी है। नहीं, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे ना कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, इसके बावजूद नहीं, ये तो देखिए हमारे नेता बिना कुछ कहे ही ये पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं कि कौन फैक्टर था कौन फैक्टर नहीं था, फैक्टर बनाया गया क्या हुआ, हमारे बिना नेता के कहे हुए या हम सभी प्रवक्ताओं को बिना कहे हुए ये पब्लिक डोमेन की बात, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ है और पूरी मजबूती के साथ रहेगी। आगामी 5 और 6 जुलाई को पटना में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हम लोग हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के सभी हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता गण आ रहे हैं, और आगामी मिशन 2025 के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, दो चीज तो देखिए, लोकसभा की सीट मिली, हार गए या हराया गया जो भी हो वो गया, विधान परिषद की एक सीट का कमिटमेंट था वो भी हाथ से निकल गया, अब बचा है 2 राज्यसभा की सीट पर एनडीए को ही भेजना है, बीजेपी ही शायद भेजेगी दोनों सीट पर अपना, या एक बीजेपी जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है, एक उम्मीद अभी बाकी है, चूंकि चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि सबका कंपनसेशन राज्यसभा भेज करके कर दिया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, और दूसरी चीज बाकी है बिहार विधान सभा का जो चुनाव है उसमें आपके सम्मान पूर्वक आपको सीटें दी जाए। आपको लगता है कि इन दोनों जगहों पर दोनों मामलों में आपको आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, सम्मानजनक चीजें होगी? देखिए सब्र का फल मीठा होता है, और जो व्यक्ति सब्र करता है उसको आज नहीं कल सफलता मिलती है, इसलिए सब्र कीजिए, और राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास इतना पेशेंस है, क्योंकि कभी अपनी पार्टी बनाते हैं, कभी विलय करते हैं, कभी अकेले महागठबंधन में एनडीए में रहते हैं, कभी एनडीए में रहते हैं। हमारे नेता आशुतोष जी, आप एक प्रखर पत्रकार है, हमारे नेता एकदम राजनीति के में मूल्य आधारित राजनीति करते हैं, हमारे नेता लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलते हैं, हमारे नेता त्याग तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, हमारे नेता अगर सदन छोड़ते हैं तो सड़क पर संघर्ष करने के लिए आते हैं, हमारे नेता के पास जितना पेशेंस है शायद ही उतना किसी नेता के पास पेशेंस होगा, हमारे नेता बेचैन नहीं है, हमारे नेता संघर्ष के रूप में काम करते हैं, वे जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर सिंह जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाले राजनेता हैं, इसलिए मैं आपको इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ। रामपुकार जी, धैर्य की भी एक सीमा होती है ना, जब लगातार आपके जो कहा जाएगा नहीं दिया जाएगा तो धैर्य तो टूटेगा ना, सब का इम्तिहान लिया जा रहा है ना आपसे। आप मीडिया के भाई हैं, मीडिया के साथी हैं,
आप एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके आपके धैर्य परीक्षा ली जा रही है, आपके आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? हम बोल रहे हैं ना कि आप मीडिया के साथी हैं, आप ही सब प्रश्न का उत्तर जब दे दे रहे हैं तो वाकई में आप इंतजार तो कीजिए, अब ज्यादा दिन का समय नहीं है। देखिए एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगामी 2025 के चुनाव में उतरती है और एनडीए गठबंधन कितना मजबूत है। चलिए, मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी जो निकलना चाहिए वो निकल ही जाता है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो जितने बड़े कद के नेता हैं उनके साथ उतना सम्मान होना चाहिए और चीजें ठीक होनी चाहिए, तभी इसमें एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नहीं तो आपने इशारों इशारों में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला कि कई सीटें एनडीए लूज कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामपुकार। धन्यवाद आपको भी।